ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच खबर यह है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जो पीए हैं मनीष, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस खबर के बाद राजसमंद में उन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है जो पिछले दिनों इन कार्यक्रमों के दौरान इनके संपर्क में आए थे। राजसमंद जिले के राजनेताओं में इस बीच हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर जोशी का पर्सनल फोटोग्राफर गौरव भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक बार फिर राजनीति से जुड़े लोग इसकी चपेट में आने लगे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जो पीए हैं मनीष, वो कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। और इनके साथ ही जो निजी फोटोग्राफर हैं डॉक्टर जोशी के, पर्सनल फोटोग्राफर गौरव, वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पिछले कुछ दिनों से राजसमंद जिले में कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं और इसकी वजह से राजसमंद के राजनेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे राजसमंद से हमारे संवाददाता सुनील जैन फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील, बाकी जो राजनीतिक कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों में रहे डॉक्टर सीपी जोशी के, उन सभी राजनेताओं में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है कि दो लोग कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाए गए हैं, तो इसके बाद क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई विशेष निर्देश दिए गए हैं वहां पर स्क्रीनिंग को लेकर या फिर जाँच को लेकर? प्रभात बता दो, जिस तरह से कल जिस तरह से राज्यपाल का दौरा रहा था और उस बिलोता में जो यूनिवर्सिटी को लेकर जो उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम था उसमें डॉक्टर सीपी जोशी उसमें शिरकत की थी, उसके बाद से ही वहां पर उसके कार्यक्रम समापन के बाद जैसे वो पहुंचे तो उनके कार्यक्रम में के बाद कई कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात भी की और उसमें उनके जो निजी तौर पे जो पीए थे मनीष, वो उसकी रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है। और उसके साथ ही बता दो उनका एक पर्सनल फोटोग्राफर था गौरव, वो भी कोरोना पॉजिटिव आया, जहां पर दोनों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। और उसके साथ में उनके साथ यहाँ प्रभारी मंत्री उदयलाल आंगना और मंत्री राजेंद्र यादव, ये तीनों लोग साथ थे और ये इनके साथ जो कोरोना पॉजिटिव आया दोनों साथी भी उनके साथ ही लगातार थे। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिस तरह से ये सामने आया उसके बाद दोनों ने तो अपने आप को होम क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन वही प्रशासनिक तौर पर जो प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है उसमें बताया गया कि जितने भी लोग इनके संपर्क में आया है वो तुरंत प्रभाव से अपनी जांच सैंपल जांच करा ले। जी सुनील, गौरव और मनीष जो दो लोग ये पॉजिटिव आए हैं, क्या कोविड की दोनों डोज वैक्सीन दोनों इनको लग चुकी थी, कुछ जानकारी है इस बारे में? हाँ बता दो प्रभात, जिस तरह से दोनों को लेकर अगर कोरोना ये जिस तरह वैक्सीनेशन की बात की जाए तो इसमें अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों ने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं कराया, लेकिन अभी तक मीडिया के सामने भी इस तरह कोई बाहर नहीं निकाला जा रहा है। दोनों अपने आप को होम क्वारंटाइन कर रखा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये जरूर आया है कि जो भी संपर्क में आया वो तुरंत प्रभाव से अपने सैंपलिंग करा ली जाए। बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर एक आदेश निकाला गया है और ये कहा गया है कि जो भी लोग इन दोनों के संपर्क में पिछले कुछ दिनों में आए हैं वो सभी जल्द से जल्द अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें।